मैंने पहले कह दिया ना, संवैधानिक व्यवस्था से देश, संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादत गाह तक होगा। कुछ दिन पहले कुछ मुस्लिम लोग मीनाक्षी मंदिर के अंदर गर्भगृह तक कुरान लेकर पहुंच गए और नमाज पढ़ने का प्रयास करने लगे। और ऐसा ही एक मामला केदारनाथ में देखने को मिला। हाँ, प्यार का इजहार करने वाला एक कपल मिला, वो घटना भी काफी ज्यादा चर्चित रही थी। और दोस्तों, ऐसी ही एक घटना गोल्डन टेम्पल में देखने को मिली, जहाँ एक लड़की मिनी स्कर्ट में मंदिर में घुसने का प्रयास कर रही थी और मंदिर के प्रशासनिकों ने इसे अंदर जाने से रोक दिया। उसके बाद कई जगह मंदिरों में प्रवेश संबंधी नोटिस बोर्ड लगा दिए गए और नोटिस बोर्ड पर लिख दिया गया कि कटी फटी जीन्स, स्कर्ट और अंग प्रदर्शक वस्त्र पहनकर अंदर ना जाएं। इन सभी घटनाओं को देखते हुए एक बड़ी खबर ये निकल कर आती है कि मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट का कहना है कि मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश भी वर्जित होना चाहिए। कोर्ट का कहना है, मंदिर हिंदू धर्म की आस्था है, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, यहाँ पर कोई भी मुंह उठाकर चल देगा। दोस्तों, गैर हिंदू का मतलब है हिंदुओं के अलावा सभी धर्म, जैसे मुसलमान, सिख और बाकी के सब धर्म। कोर्ट का कहना है कि सरकार उन गैर हिंदुओं को अनुमति ना दे जो हिंदू धर्म में विश्वास नहीं रखते। यदि कोई गैर हिंदू मंदिर में प्रवेश करना चाहता है तो उससे ये वचन लेना होगा कि उसे मंदिर के देवता में विश्वास रखना है और उसके साथ साथ वह हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन भी करेगा। कोर्ट के यह कहने के बाद एक नया बवाल क्रिएट हो चुका है, क्योंकि आर्टिकल 15 में लिखा है किसी भी व्यक्ति को, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, उसे पब्लिक प्लेस में जाने से नहीं रोका जा सकता। इस पर तमिलनाडु हाई कोर्ट ने कहा है कि इससे आर्टिकल 15 बिल्कुल भी बाधित नहीं होगा, क्योंकि मंदिर सार्वजनिक स्थानों की जगह ट्रीट नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ हिंदुओं की आस्था है और हिंदुओं की ही प्रॉपर्टी है। दोस्तों, अभी तो ये कानून सिर्फ तमिलनाडु में आया है, लेकिन आने वाले समय में ये कानून पूरे भारत में लागू हो सकता है। दोस्तों, कमेंट में बताइए अयोध्या के राम मंदिर में मुस्लिमों, सिखों आदि धर्म की एंट्री मिलनी चाहिए या नहीं। कमेंट में किसी भी धर्म को हेट देने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।